गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर टू द नॉर्दर्न माउंटेन्स इसमें नॉर्दर्न मीन्स आप सब जानते हैं उत्तर के हिमालयों के बारे में उत्तर के पहाड़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा सो नाउ लेट्स स्टार्ट इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक है हमारे लिए अबाउट टू अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेंस एंड द हिमालयाज इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालयास के बारे में बताया जाएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अबाउट द क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट के बारे में क्लाइमेट मीन्स जलवायु वेजिटेशन के बारे में वेजिटेशन के बारे में यानी वनस्पतियों के बारे में पेड़ पौधे के बारे में बताया जाएगा वाइल्ड लाइफ

द काराकोरम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस और द पूर्वांचल हिल रेंजेस ठीक है नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या क्या आते हैं हिमालयाज आते हैं आपके काराकोरम आते हैं एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्व के सारी पर्वत श्रृंखलाएं पर्वत श्रेणियां आती हैं सारे पहाड़ आते हैं और द पूर्वांचल हिल रेंजेस और पूर्व पूर्वांचल जगह के सारे हिल रेंजेस आते हैं हिल रेंजेस पर्वत श्रेणिया जाएगा द हिमालयन रेंज इज दाइस्ट माउंटेन रेंज इन दर्ल्ड हिमालय हिमालयन रेंज क्या है दाइएस्ट रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड संसार में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय ठीक है चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है द नॉर्दर्न माउंटेन्स द नॉर्दर्न माउंटेन्स्राइज ऑफ सम ऑफ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और इसमें कई सारे ऊंची पहाड़ियों के बारे में बताया जाएगा जो कि संसार में सबसे ऊंची हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स कंप्राइज कंप्राइज मींस होता है मेड अप ऑफ ठीक है कंप्राइज मींस होता है मेड अप ऑफ़ नॉर्दर्न माउंटेन्स किन चीजों से बना है कई सारी ऊंची पहाड़ियों से बना है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक वाइल केटू एंड माउंट गोडविन ऑस्टीन केटू एंड माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड मीन्स फर्स्ट हाइएस्ट पीक कौन सी है माउंट एवरेस्ट फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी माउंट एवरेस्ट और सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी केटू जिसका दूसरा नाम क्या है माउंट गॉडविन ऑस्टिन दूसरा नाम आपको लर्न करना पड़ेगा क्या है माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर लिस्टेड इन द टेबल कुछ हाइएस्ट माउंटेन्स के बारे में इसमें बताया गया है देखिए कुछ लिस्ट है जिसमें कि माउंटेन्स के नाम दिए हैं कौन कौन सा है पहला माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंचा है उसके सेकंड सेकंड में कौन सा आता है के टू जो जिसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन थर्ड है कंचनजंगा फोर्थ है मकालू फिफ्थ है धौलागिरी सिक्स है अन्नपूर्णा सेवन है नंगा पर्वत एंड एर्थ है आपका नंदा देवी तो ये सारे हाईएस्ट पीक्स हैं जिनकी हाइट यहाँ पर देखिए आप दी हुई है ये यू कैन सी हाइट इज आल्सो गिवन ओके और ये मीटर में दी हुई है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया क्या है द हिमालयाज हिमालज क्या होता है देखते हैं द वर्ड हिमालया मीन्स हिमालय मीन्स क्या होता है अबोर्ड ऑफ स्नो अबोर्ड ऑफ स्नो अबोर्ड मीन्स होता है आपका होम हाउस हिमालय को क्या कहते हैं हम yeah. बर्फ का घर कहते हैं द वर्ड हिमालय मीन्स अ बोर्ड ऑफ स्नो यानी ये हिमालय को हम बर्फ का घर भी कहते हैं एज अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर क्योंकि इसका ज्यादातर पार्ट क्या होता है माउंटेन का वो बर्फ से ढका रहता है किससे ढका रहता है बर्फ से ठीक है तो इससे क्या होता है कि इसी कारण इसे बर्फ का घर कहा जाता है द हिमालयन रेंज द हिमालयन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन द नॉर्थ ठीक यानी क्या बताया जा रहा है कि हिमालयन रेंज कहां से कहां तक है नॉर्थ में उत्तर में कहां से स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर के ईस्ट में यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है कहां से कहां तक है उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है हिमालय आपका ठीक है चलिए आपको हिमालय के बारे में पता चल गया हिमालय क्या है अ बोर्ड ऑफ स्नो बर्फ का घर ठीक है अब देखिए डू यू नो में यहां कुछ दिया हुआ है ये यू कैन सी दे इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके यू विल हैव टू राइट इट ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या दिया है देखिए तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमन हिलेरी द फर्स्ट टू क्लाइम माउंटेन क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953 क्या बता रहा है इसमें कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमन हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे और एडमन हिलेरी ये दो पर्सन थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे किस में पहुंचे थे 1953 में पहुंचे थे। थे मतलब ये सब तो man थे, और तो और कौन सी थी? पाल आपको ये तीनों नाम लर्न करने पड़ेंगे कि फर्स्ट मैन टू फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वर्जिंग नॉर्गे एडमन हिलेरी और फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वॉज बचेंद्री पाल और शी क्लाइम नाइनटीन माउंट माउंटेन इन 1983 84 सॉरी तो ये 1904 में बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी इज दैट क्लियर सो नाउ फ्लिप द पेज आगे देखते हैं क्या दिया है द हिमालयन रेंज इंक्लूड्स थ्री पैरेलल रेंजेस हिमालयन रेंज में क्या होते हैं थ्री पैरल रेंजेस होते हैं तीन शंखलाएं होती हैं कौन कौन सी तीन शेरियां होती हैं कौन कौन सी द ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री ग्रेटर हिमालयाज किस नाम से जाने जाते हैं हिमाद्री के नाम से ठीक है द मिडिल हिमालयाज और ऑल्सो नोन एज हिमांचल एंड द आउटर हिमालयाजर ऑल्सो नोन हैज शिवालिक ठीक है तो आपके यहाँ तीन रेंजेस दिए हुए हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि पहला ग्रेटर हिमालय है दूसरा मिडिल हिमालय है थर्ड इज आउटर हिमालयाज और इन सारे को किन नामों से जाना जाता है वो भी दिया है हिमाद्री हिमांचल एंड शिवालिक ये सारे पहाड़ों के नाम आप सब जानते हैं चलिए देखते हैं इसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ग्रेटर हिमालया दिमाल नॉर्थस्ट दिमालय हिमालय रेंज क्या सबसे ऊंची हिमालयन रेंज है और ये नॉर्थ में पड़ती है यानी उत्तर के तरफ में होती है द पीक्स ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो क्या होता है कि इसकी चोटी पीक्स मींस इसकी चोटी यानी ऊपर का टॉप साइड इसका हमेशा बर्फ से ढका रहता है देयरफॉर दे गिव राइज़ टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स देयरफॉर दे गिव राइज़ टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स और ये कई ग्लेशियर्स को जन्म देती हैं कई इसके वजह से कई सारे ग्लेशियर इसमें उगने लगते हैं ग्लेशियर क्या होता है देखते हैं ग्लेशियर आर ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस ग्लेशियर्स क्या है स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस मतलब बर्फ़ की नदियां होती हैं ये। ठीक है थीके? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ग्लेशियर क्या होता है स्लो मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस ठीक है ग्लेशियर्स फॉर्म वेन वेन शो रिमींस इन वन लोकेशन लॉन्ग एनफ टू ट्रांसफॉर्म इन टू आइस मतलब एक ही जगह पर कई कई टाइम से कई लॉन्ग टाइम से अगर बर्फ इकट्ठा हो जाती है तो वो मूव करने लगती है नदियों की तरह तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं सेवरल रिवर्स सच एस गंगा इंडस एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स और इस ग्लेशियर से कौन कौन सी नदियाँ बनती हैं गंगा इंडस एंड मुना द रिवर्स गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री गंगा और यमुना कहाँ से ओरिजिनेट उरीजन, हुई है कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है गंगोत्री से एंड यमुनोत्री गंगोत्री से और यमुनोत्री से इसकी उत्पत्ति हुई है ठीक है नेक्स्ट द मिडिल हिमालयन रेंज इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास और मिडिल हिमालयन रेंज जो कि सेकेंड पॉइंट था हमारा ये कहाँ से होता है साउथ में यानी दक्षिण में ये है हिमालयन के दक्षिण में है दो द पीक द ग्रेटर हिमालयास ये ग्रेटर हिमालयास के तरह ऊंची नहीं होती हैं। सम ऑफ देम आर स्टिल कवर्ड विद स्नो और कुछ इसमें से बर्फ से ढकी होती हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स इसमें कुछ फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स होते हैं जिनमें जंगल भी आते हैं एंड फर्टाइल वैलीज और बहुत सारी उपजाऊ वैलीज भी होती है घाटियाँ भी होती हैं वट इज़ वैली इसमें दिया हुआ है देखिए ये यू कैन सी अ वैली इज लो लाइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स एंड माउंटेन दो पहाड़ियों के बीच के जो एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं ठीक है, सम ऑफ द मेजर वैलीज ऑफ द मिडिल हिमालयन रेंज आर कांगड़ा एंड नैनीताल ठीक है यहां पर दो नाम दिए गए हैं जो कि मिडिल हिमालयन रेंज के अंडर में आते हैं देर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालयन देर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालयन रेंज लाइक मसूरी शिमला कुल्लू एंड मनाली ये सारे नाम आप जानते हैं जो कि मिडिल हिमालयन रेंज में आते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन होते हैं जिसमें आप समर वेकेशन में घूमने जाते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट द आउटर हिमालयन रेंज इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय आउटर हिमालयन रेंज कहा पर होता है साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय साउथ में पड़ता है ये दक्षिण में इट इज ऑल्सो द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालया सबसे नीची रेंज होती है। दिस माउंटेन रेंज इज कवर्ड थिक फॉरेस्ट। ये जंगलों से कई सारे गहरे जंगलों से भरी हुई है इट इज रिच इन वाइल्ड लाइफ और ये वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड यानी यहाँ जानवर भी होते हैं दे आर मैनी माउंटेन पासिस इन द अ रूट थ्रू माउंटेन रेंज इज कॉल्ड पास चलिए इतना मैंने आज पढ़ा दिया आपको अब मैं यहाँ देर आर से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी तब तक आप लोग इसको कैरी करिए ठीक है इसको लर्न करिए जो भी चीज़ें मैंने आज बताई हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं सब लर्न करिए ये वीडियो आप यूट्यूब पर भी अपलोड करके देख सकते हैं ठीक है टिल देन गुड बाय टेक केयर